मुझे उनसे डर बिल्कुल नहीं लगता। भूत प्रेत होते हैं, देखना चाहते हो तो रुक जाओ। शायद मेरे मन का वहम होगा, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, मुझे उनसे डर नहीं लगता। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, मेरा कलेजा बहुत ही मजबूत है। आलतू जलालतू आई बला कुट आलतू, आलतू जलालतू ये सब है फालतू। आलतू जलालतू आई बला कुट आलतू, आलतू जलालतू ये सब है फालतू। आलतू जलालतू आई बला कुट आलतू, आलतू जलालतू ये सब है फालतू। बला को टाल तू, ये सब है फालतू। बला को टाल तू, ये सब है फालतू। कौन है बे तू? मार खाने का मन कर रहा है क्या? तू क्या सोच रहा है कि मैं इस तरह से डर जाऊंगा? तू मुझे डराना चाहता है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। रुक, अभी मैं तुझे बताता हूँ। मेरे साथ अंताक्षरी खेलेगा क्या? अरे छुपा कहाँ बैठा है, आजा सामने। कहाँ है तू? मैंने अपनी लुंगी उठा ली है। लो कर लो बात, कार तो खटारा है लेकिन एफएम पे नए गाने बज रहे हैं। ए, तू क्या सोच रहा है? कार की हेडलाइट जलाने से मैं डर जाऊंगा क्या? अरे डरे मेरी जूती। लगता है कोई पागल गाड़ी से जा रहा था और गाना लगाकर नंबर टू के लिए चला गया है। जोर की लगी होगी। अरे भाई क्या हुआ, मेरी बातें सुन के गुस्सा आ रहा है? देख भाई, मैं इसी रास्ते से रोज गुजरता हूँ। अभी सुन ले, अगर ज्यादा आवाज की ना तो ले जाके भंगार में बेच दूंगा। बड़ा आया डराने वाला। फिर से आवाज निकाली तूने, बहुत शौक है ना तुझे? अभी बताता हूँ। Hey!
चौपट हो जाएगा। कुछ भी हुआ नहीं कि बचा लो बचा लो। दिन भी नहीं हुआ है छुट्टी को और तुम हंगामा मचा रहे हो। ए, तुम लोगों को डर नहीं लगता क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते? छुट्टियों में ये लोग इसी तरह हंगामा मचाते हैं, हमारी नाक में दम करके रखेंगे, इन्हें दिल्ली भेज देते हैं। कम से कम कुछ दिनों के लिए हमें तो सुकून मिलेगा। दिल्ली क्यों भेजना है? मेरे चाचा के घर भेज देते हैं, वहाँ गाँव में ये लोग सेफ रहेंगे और थोड़ी तमीज भी सीख लेंगे। क्या कहा, गाँव भेज रहे हैं? क्यों? जल्दी तुम्हारा सामान पैक करके भेज देंगे, ठीक है? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? ठीक हो? सफर कैसा रहा तुम्हारा? अच्छा था। ठीक है, आओ आओ, चलो बच्चों बैठो। चाचा जी, ये मेरा बड़ा बेटा अर्जुन। हाय दादाजी। इसे गाड़ियां बहुत पसंद है, ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जिसके बारे में ये जानता नहीं है। बहुत होशियार है, इसकी नॉलेज एकदम A1 है। और ये निखिल है, इसे मोबाइल से फुर्सत ही नहीं मिलती, 24 घंटे मोबाइल चालू। ये प्रीति है, ये अगर किसी चीज के बारे में नहीं जानती है तो उसके बारे में जानकर ही सांस लेती है। और ये मेरी सबसे छोटी बेटी जानवी, ये दिखती बहुत छोटी है लेकिन असल में है सबकी नानी। इसकी भोली शक्ल पर मत जाइएगा। लेकिन आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? इस घर में बच्चे नहीं है, इन सब के होने से मेरा भी दिल बहल जाएगा। और फिर इन बच्चों के साथ में तुम लोग भी तो हो ना? दरअसल मुझे बहुत काम है, इसलिए तुरंत लौटना होगा। चलते हैं चाचा जी। ये क्या बात हुई, अभी अभी आए हो और तुरंत वापस लौट रहे हो? कम से कम आज तो रुक जाते। नहीं चाचा जी, कुछ अर्जेंट काम है, फिर कभी, जल्दी वापस लौटेंगे। देखो बच्चों, दादाजी को परेशान मत करना और आपस में झगड़ना मत। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। बाय बाय।
मेरी बीवी कहाँ है? माला, माला, मैं हूँ, तुम सो रही हो, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्या चाहिए तुम्हें? चलो उठो, मैं बताता हूँ, आओ। अरे चलो ना, आवाज मत करो, आओ, 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 चलो। अरे कितनी भारी है ये। चलो बैठो इधर, यहाँ। अरे आवाज मत करो। तुम तो ऐसे नाटक कर रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि मैं तुम्हें क्यों बुला रहा था, है? ये कैसी आवाज है? राजा, ओ राजा, बाहर निकलो। क्या कर रहे हो भाई? बहुत आवाज आ रही है तुम्हारे घर से। हाँ, अब बोलो। अरे क्या बोलूं? तुमने सबकी नींद खराब कर दी। बच्चे हैं, टीवी देख रहे हैं। छोटे बच्चे हैं तो क्या इतना जोर से टीवी लगाएंगे? हमें डरा रहे हैं क्या? ना, जरूरी काम कर रहा था, बीच में छोड़कर आना पड़ा। क्या, इतनी रात को कौन सा जरूरी काम कर रहा था? अरे आप छोड़ो, आपको समझ में नहीं आएगा, बूढ़े भी तो हो गए। चल भाग यहाँ से। आपको इतनी रात को जगना नहीं चाहिए, आपको तो सब पता है। गांव वालों का मानना है कि जंगल में जो कार खड़ी है ना, उसमें एक भूत है। इसीलिए हम सभी लोग डर गए थे, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसा कुछ नहीं है भाई, वो बच्चे भूतों की फिल्म देख रहे थे, दरअसल ये आवाज वहीं से आ रही है। ये भी क्या मुसीबत है? तो हम क्या करें? मैं कह दूंगा, आप लोग जाइए। चलो अब सो जाओ। चलो आओ। ऐसी फिल्म तो बिना साउंड इफेक्ट्स के देख ही नहीं सकते। तो बताओ अब हम क्या करेंगे? गोस्ट मूवीज देख देख कर तो मैं बोर ही हो गई हूँ, अब मुझे रियल गोस्ट देखने का मन कर रहा है। रियल गोस्ट देखना है? कहाँ मिलेगा? कहाँ? तुमने सुना नहीं क्या, खेत में एक कार खड़ी है जिसमें भूत है। हम वहाँ जाएंगे कैसे? और हम दादाजी से क्या कहेंगे? हम उनसे कहेंगे कि हम गाँव में घूमने जा रहे हैं और ऐसे हम कार को ढूंढ लेंगे। चलो उधर चलते हैं। यहाँ तो कहीं भी कार नजर नहीं आ रही है। आखिर कार है किधर? कार तो कहीं नहीं दिख रही। हाँ कहीं नजर नहीं आ रही है। क्या नहीं लगा? तुम्हें डर लगा? नहीं लगा। किसी को भी डर नहीं लगा क्या? यहाँ कुछ नहीं है, सब लोग गोस्ट है कहकर हमें यहाँ आने से मना कर रहे थे। हाँ देखो ना, यहाँ तो सिर्फ जली हुई कार है और कुछ भी नहीं है। अरे गोस्ट को लाइव देखने में बहुत मजा आता, पर यहाँ पर तो कोई गोस्ट ही नहीं है। हमने गोस्ट मूवीज में देखा तो है कि रात को 12 बजे ही गोस्ट आते हैं। हाँ, तो फिर
हम दिन में आए हैं, दिन के समय हमें गोस्ट कैसे मिलेगा? रात को 12 बजे गोस्ट आते हैं और रात को 12 बजे ही हम मूवीज भी देखते हैं। और ऊपर से दादाजी दरवाजा भी बंद कर देते हैं, तब तो हमारा बैड लक है। इसका मतलब हम गोस्ट नहीं देख पाएंगे? मुझे गोस्ट देखना ही है। एक आईडिया आया है, सुनो जानवी, पहले हम एक काम करते हैं, कंफर्म करते हैं कार में गोस्ट है या नहीं। पता कैसे चलेगा? हम चारों में से किसी एक का मोबाइल कार में रख देते हैं, फिर रात के 12 बजे हम उस मोबाइल पर कॉल करेंगे और मोबाइल ऑटो आंसरिंग मोड पर होगा। 3 रिंग्स के बाद वो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा और अगर सच में इस कार में भूत है तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई देगी। यस, आईडिया तो अच्छा है, अगर हमें आवाज़ सुनाई दी तो इसका मतलब इसमें पक्का गोस्ट है। लेकिन किसका फोन रखेंगे? और किसका रखेंगे? तुम्हारा। नहीं, मुझे गेम्स खेलने के लिए फोन चाहिए। तुम्हें गेम्स खेलना है या गोस्ट देखना है? अच्छा ठीक है, गोस्ट देखना है। फोन रख दिया, चलो चल। हाँ चलो। सुनो, हमें बहुत लेट हो गया है, दादाजी हमारी फिक्र कर रहे होंगे ना, हमें घर जाना चाहिए। जानवी, तुम्हारे मोबाइल की बैटरी चार्ज है या नहीं? मेरे मोबाइल की बैटरी फुल है। कोई नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। हाँ चलो। अरे बच्चों, कहाँ गए थे तुम लोग? वो दादाजी हम सब साथ में गांव देखने गए थे। हाँ दादाजी, हम गांव देखने गए थे। हाँ दादाजी। अच्छी बात है, लेकिन सुनो, गांव में कहीं भी घूमना फिरना, लेकिन जंगल में खड़ी कार के पास मत जाना, समझ गए ना? समझ गए दादाजी। जाओ बच्चों, जाओ जल्दी जाकर नहा लो। ठीक है दादी माँ। बजे के बाद तुम्हें पावर मिलती है, तुम्हें पता है मैं पहली बार रियल गोस्ट देख रही हूँ, पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। चलो मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ, मेरा नाम है जानवी, स्टैंडर्ड 1 ए सेक्शन सेंट मेरी स्कूल। अब तुम बताओ, बोलो तुम्हारा नाम क्या है, बोलो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, बोलो ना, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, बोलो तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम नहीं है क्या, बोलो ना, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बोलो ना, कुछ तो जवाब दो, बोलो तुम्हारा नाम क्या है। जानवी, बोलो ना। जानवी, जानवी किससे बात कर रही हो? क्या हुआ जानवी, तुम नींद में किससे बात कर रही थी? मैं यहाँ कैसे आ गई और कार कहाँ पे है? कौन सी कार? वही जो हमने जंगल में देखी थी, वो अपने आप चलकर हमारे घर के सामने आई थी, लेकिन तुम लोग आ गए और तुम लोगों के आने से वो इतना ज्यादा डर गई कि यहाँ से चली ही गई। कार यहाँ पर और वो भी अपने आप आई थी और वो भी हमारे घर,
तुम पक्का सपना देख रही थी। क्या बोल रहे हो, ये सपना था क्या? नहीं, ये सपना नहीं हो सकता, ये तो सच में हुआ था। अगर वो आती तो क्या बाहर सोए हुए लोग चुप बैठते? सब के सब यहाँ हंगामा मचा देते, और ऐसा होता तो हमें मूवी भी नहीं देखने मिलती। 12 बजने वाले हैं, कॉल करते हैं। कुछ नहीं है, वहाँ पहुँचते ही मैं समझ गया था, ये गांव वाले बेकार में ही उससे डरते हैं। चलो अब सोने चलते हैं। रुको रुको, कोई आवाज आ रही है, सुनो। देखा ना, मैं तो तुमसे पहले ही कह रही थी, अब मान जाओ वो एक गोस्ट कार है, अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है, उसमें एक भूत है और वही उसे कंट्रोल करता है। अगर वो कार अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है तो समझ जाओ कि वो एक गोस्ट कार है। एक मिनट रुको, ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई गोस्ट कार ना हो, कोई चोर भी हो सकता है जो उस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हो, उसी की आवाज़ हो सकती है। सही कहा, हमने तो किसी को देखा ही नहीं, तो हम सब कैसे कह सकते हैं कि वो गोस्ट कार है या नहीं? नहीं, मैं 100% श्योर हूँ वो एक गोस्ट कार है, मेरे सपने में भी आई थी। नो, इट इज अ नॉर्मल कार। नो, इट्स अ गोस्ट कार। नो, इट इज अ नॉर्मल कार। अब बस भी करो, वो गोस्ट कार है या नहीं कल हम वहाँ जाकर डिसाइड करेंगे। ठीक है। प्रीति, कॉल आया है। हाय मॉम। हाय प्रीति, गांव में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मॉम, बहुत मजा आ रहा है। अच्छी बात है। वैसे तुम्हारे हॉरर मूवीज की आवाज से कहीं गांव वाले डरे तो नहीं? हाँ मॉम, सब लोग डर गए थे। वैसे एक बात बताओ, मैं सुबह से जानवी के मोबाइल पर कॉल कर रही हूँ, रिंग जा रही है लेकिन वो उठा नहीं रही, कहाँ है वो? मॉम, वो उसने मोबाइल को ऑटो आंसरिंग मोड में रखा है, वो कल रात से सोई नहीं है। अच्छा ठीक है, दादाजी को परेशान मत करना और तुम लोग एंजॉय करो। ओके मॉम, मिस यू। मिस यू टू, बाय। मॉम, जानवी का मोबाइल बहुत देर से ट्राई कर रही थी। अच्छा, मोबाइल तो हमने कार में रखा है। चलो हम जाकर इसका मोबाइल ले आते हैं, सब जाके जल्दी तैयार हो जाओ। देख रहे हो, कार तो अपनी जगह से हिली भी नहीं, ये तो अभी भी इसी जगह पर खड़ी है, तो पता कैसे चलेगा चोर आए थे या नहीं? मोबाइल तो यही है, तो आवाज किधर से आ रही थी? वो आवाज गोस्ट कार से ही आ रही थी। स्टॉप इट जानवी, चलो चलकर देखते हैं कहां से आवाज आ रही थी। तुम मेरे सपने में आई थी ना, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कई बार तुमसे नाम पूछा पर तुमने जवाब ही नहीं दिया। ठीक है, अब बताओ, मेरा नाम जानवी है, तुम्हारा नाम क्या है? बोलो, तुम्हारा नाम क्या है, बोलो ना। प्रीति, अर्जुन, निखिल, जल्दी आओ। क्या हुआ जानवी? मैंने इस कार से इसका नाम पूछा तो ये प्लेट यहाँ आकर गिरी। श्रीकांत लिखा है, लगता है ये कार के ओनर का नाम है। You're right, देखो उसका मोबाइल नंबर भी लिखा है। आइडिया, इस नंबर पर कॉल करो, तब पता चल जाएगा कि ये कार किसकी है। गुड आइडिया। नॉट रीचेबल आ रहा है। ठीक है रुको, मैं भी इस नंबर पर कॉल करके देखती हूँ। अर्जुन, ये अब भी नॉट रीचेबल ही आ रहा है। ठीक है, घर चलते हैं और थोड़ी देर बाद ट्राई करते हैं। तो चलो चलते हैं। चलो।
क्या हुआ जानवी? मुझे गोस्ट अंकल का फोन आया था। क्या? हाँ, सुबह हम लोग जिस नंबर पर ट्राई कर रहे थे उस नंबर से मुझे फोन आया था। यकीन नहीं हो रहा तो देख लो। इसमें तो वो नंबर है ही नहीं जानवी। जैसे तुमने कार के बारे में सपना देखा था वैसे ही ये भी कोई सपना ही होगा। नहीं, ये सपना नहीं था, सच में फोन आया था। कोई कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था और मुझे आवाज आ रही थी। नो जानवी, इट्स जस्ट अ ड्रीम। तुम्हारे मोबाइल पे कोई कॉल नहीं आया है। नो, इट्स नॉट अ ड्रीम। स्विच ऑफ है। मैं भी ट्राई करती हूँ। हाँ, उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। तुम्हें स्विच ऑफ है। कितनी भी कोशिश कर लो अभी उनका फोन नॉट रीचेबल ही होगा। रात को 12 बजे उनका फोन स्टार्ट होगा। जैसे ही गोस्ट अंकल से बात हो जाएगी ना, तो हम उनसे श्रीकांत अंकल के बारे में पूछ लेंगे। जानवी सही कह रही है, कॉल लगते ही हम पूछ सकते हैं कि ये श्रीकांत कौन है और वो आधी जली हुई कार वहाँ क्यों खड़ी है, ये भी पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन वो मोबाइल किधर है? कहीं वो कार में जल तो नहीं गया? अगर वो जल गया होता तो मुझे रात को फोन कैसे आता? वो गोस्ट अंकल के पास ही होगा। पागल जैसी बात मत करो जानवी। एक बार कहती हो गोस्ट कार घर आई थी, फिर कहती हो गोस्ट अंकल ने कॉल किया था। तुम्हें मजाक करने की आदत हो गई है। मैं कह रही हूँ ना, गोस्ट अंकल हैं। ध्यान मत दो, ये ऊटपटांग बातें कर रही है। पहले हम मोबाइल का क्या हुआ वो देखते हैं। कहीं कार में जल गया या और कहीं है? शायद कार में जला नहीं होगा, मेरे ख्याल से कहीं गिर गया होगा। सही कहा, हो सकता है कहीं आसपास ही गिरा होगा। चलो चल के देखते हैं। कुछ नहीं दिख रहा। तुझे मिला? नहीं। और तुम्हें? मुझे तो नहीं मिला। अर्जुन, तुम्हें मिला? नहीं, मुझे भी नहीं मिला। ऐसा करते हैं, हम जंगल के अंदर जाके ढूंढते हैं। जानवी, तुम नहीं आ रही? नहीं, मैं तो यहीं रहूंगी। मैं जानती हूँ वो मोबाइल कहीं भी नहीं मिलेगा, वो गोस्ट अंकल का मोबाइल है। ओह ठीक है, तो हम लोग जाकर ढूंढते हैं। तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना, ठीक है? हाँ। मुझे कॉल क्यों किया था? तुम आए नहीं ना, इसलिए सब मुझे पागल कह रहे हैं। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। दो ना जवाब। तुम्हें फोन मिला? नहीं मिला। नहीं। मुझे नहीं मिला। तुम्हें? अब बस बहुत हो गया। हाँ। वहाँ जानवी अकेली है और मुझे बहुत भूख भी लगी है। चलो, चलो वापस चलते हैं। जानवी कहाँ गई? जानवी के मोबाइल पे ट्राई करके देखो। उसका फोन स्विच ऑफ है, शायद हमारे इंतजार में बोर हो गई होगी और घर चली गई होगी। हाँ, हो सकता है, वो हमसे गुस्सा हो गई थी ना। ठीक है चलो, शायद वो हमें बिना बताए घर चली गई होगी।
जानवी, तुम लोगों को मिली क्या? देखा नहीं ना मैंने, तो नहीं देखा तुमने? क्या हुआ बच्चों, तुम लोग इतना परेशान क्यों हो? दादाजी वो जानवी। वो कुछ नहीं दादाजी, हम बस मिलकर खेल रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, खेलो। बच गए। लेकिन बच्चों तुम तीन ही दिख रहे हो, जानवी कहाँ है? वो दादाजी जानवी किधर छुपी हुई है और हम तीनों कब से उसे ढूंढ रहे हैं पर वो मिल ही नहीं रही। ठीक है जाओ अब खेलो। ठीक है दादाजी। अर्जुन तुमने दादाजी से झूठ क्यों बोला? जानवी सच में खो गई है, अगर ये बात हम उनसे कह देते तो वो मॉम डैड को बता देते और उनको भी टेंशन होती ना। लगता है जानवी कहीं जंगल में ही खो गई होगी। चलो अभी चलते हैं, उसे जाकर ढूंढते हैं। अभी? अगर अभी गए तो दादाजी को शक हो जाएगा और 2 घंटे में तो सब लोग सो जाएंगे, तब हम ढूंढने जाएंगे। जानवी कहाँ होगी, क्या कर रही होगी? विश्वास ही नहीं होगा। हाँ, सब लोग मेरी चिंता कर रहे होंगे। बहुत रात हो गई है ना, मुझे घर जाना चाहिए। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? हाँ? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। आप मेरे साथ चलोगे क्या अंकल? आप चलोगे? फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। आप कार में पीछे पीछे आओगे? ठीक है, आ जाओ। मुझे घर का रास्ता पता है। जाकर बात करते हैं। तुम्हें पता हम कितने डर गए थे? हमें तो पता भी नहीं चला कि तुम कार में थी। हमने सब जगह ढूंढा, हम सब बहुत परेशान हो गए थे। अब बताओ जानवी, तुम कहाँ गई थी और वहाँ से यहाँ कैसे आई तुम? मैं तो कहीं भी नहीं गई थी, मैं कार के अंदर सो रही थी। तुम लोग मुझे छोड़कर चले आए थे। तुम कार के अंदर थी पर हमने सब जगह ढूंढा, तुम कहीं भी नहीं मिली। तुम झूठ मत बोलो, सच बताओ कहाँ थी? सच में मैं कार में ही थी और मैं अंदर ही सो गई थी। तुम लोगों ने ठीक से ढूंढा नहीं होगा। अगर तुम सच कह रही हो तो फिर तुम जंगल से इतनी दूर अकेले कैसे आ गई? मैं अकेली नहीं आई, श्रीकांत अंकल मेरे पीछे पीछे ही आ रहे थे। बकवास मत करो जानवी, ये मजाक का वक्त नहीं है। श्रीकांत अंकल कैसे आ सकते हैं, ऐसे तो कोई अंकल है ही नहीं। सच में श्रीकांत अंकल है, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने उनसे बात भी की। हा? उन्होंने मेरे सवालों का जवाब भी दिया, वो मेरे साथ भी आए थे। तुम लोगों को देखकर वो चले गए। सुबह मैं प्रूफ कर दूंगी। ठीक है, कल प्रूफ करके दिखा देना। किधर है तुम्हारे अंकल, बुलाओ उन्हें।
श्रीकांत अंकल, आप सच में हैं ना? लेकिन ये लोग तो मानते ही नहीं हैं। आप एक बार सामने आ जाओ। पागल हो गई है। ये जान भी नहीं है। श्रीकांत अंकल, प्लीज आप आ जाओ ना, इन्हें प्रूफ कर दो कि आप हैं। श्रीकांत अंकल प्लीज आ जाइए। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। ठीक है अंकल, बताइए आप। तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। वाह श्रीकांत अंकल, आप आ गए। मैंने कहा था ना तुमसे, श्रीकांत अंकल जरूर आएंगे। थैंक यू श्रीकांत अंकल। ये तो सिर्फ एक कार है, हो सकता है कोई लूज कनेक्शन हो गया है, इसीलिए लाइट्स ऑन ऑफ हो रही है। तुम लोगों को अब भी विश्वास नहीं होता? श्रीकांत अंकल डोर ओपन। श्रीकांत अंकल डोर क्लोज। डोर ओपन। आओ आओ। नहीं नहीं, 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 नहीं। ठीक है तुम्हारी मर्जी। डोर ओपन। क्या हुआ, अब तुम लोगों को यकीन हुआ? ये डोर सिर्फ तुम्हारी आवाज़ से खुलता और बंद होता है। अच्छा ऐसी बात है, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। शायद इसलिए तुम लोग कल दरवाजा नहीं खोल पा रहे थे। ये सब श्रीकांत अंकल का मैजिक है। कुछ नहीं होगा, अंदर आ जाओ। हम अंदर नहीं आएंगे। अरे कुछ नहीं होगा। श्रीकांत अंकल, ये लोग अभी भी बहुत डरे हुए हैं। इनको रिलैक्स करने के लिए अच्छा गाना सुनाओ ना। वो जैसे कहती है वैसे ही करती है। स्टार्ट। गो। श्रीकांत अंकल सिर्फ मेरी बात ही सुनते हैं। श्रीकांत अंकल कार स्टार्ट कीजिए। मुझे लगता है कार खराब है, इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही है। हाँ नहीं, ये खराब नहीं है, ये हमारे घर आई थी। हमें एक अच्छे से मैकेनिक को लेकर आना होगा और वो ये कार ठीक कर देगा। ठीक है, गुड आइडिया, जल्दी से जाते हैं। श्रीकांत अंकल डोर ओपन प्लीज। हमें गांव जाकर एक अच्छे से मैकेनिक को ढूंढना होगा। मुझे बहुत देर हो रही है, कितना टाइम लगेगा? आमिर खान वाला पाना देना। मैंने पूछा और कितना टाइम लगेगा? सलमान खान वाला पाना दे। अबे चूजे, ये सलमान खान का पाना नहीं है, सलमान खान का पाना मतलब पहलवान वाला। समझ में नहीं आता, गाड़ी बना रहा है या फिल्म बना रहा है? अजरुद्दीन का क्रिकेट, आमिर खान की एक्टिंग और इस अली भाई की कार रिपेयरिंग बिल्कुल एक लेवल की बात है। फुल गारंटी। वीआर लेजेंड्स, बॉर्न लेजेंड्स। देखो मुन्ना, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के वक्त अगर तुमने डॉक्टर को डिस्टर्ब किया तो क्या होगा? क्या होगा? पेशेंट की मौत हो जाएगी। और ठीक उसी तरह ये भी एक ऑपरेशन है, ये है पेशेंट और मैं हूँ डॉक्टर, तो ऑपरेशन के वक्त डिस्टर्ब नहीं करने का। सॉरी डॉक्टर साहब, माफ कर दो। बिल पे करो और कार ले जाओ चुपचाप। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं साले दिमाग खराब करने, जाहिल गवार। I don't like this cheap customers. अंकल। क्या है? कुछ नहीं अंकल, आप इस एरिया के सबसे बढ़िया मैकेनिक है ना? सुना है आप गाड़ी देखते ही प्रॉब्लम को समझ जाते हैं? हमने सुना है कि आपके कार को हाथ लगाते ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। आप मैकेनिक नहीं, लेजेंड है सर।
अब तो दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि मैं लेजेंड हूँ। गूगल में बेस्ट मैकेनिक सर्च करने से आपका ही नाम आता है। गूगल में भी मेरा नाम आता है। तो बताओ प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास एक कार है अंकल, और उस कार को आप ही ठीक कर सकते हैं। मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों की कार रिपेयर करूँगा। तुम लोग सही जगह पर आए हो। So where is the car? वो जंगल में है। जंगल में है, पर कौन से जंगल में? इस गांव के बाहर जंगल में आधी जली हुई कार है ना, वही कार। वो शैतानी गाड़ी। हाँ अंकल। अबे नहीं! वो गाड़ी मैं नहीं बनाऊंगा। वो गाड़ी शैतान की गाड़ी है। खुदा कसम वो गाड़ी मैं नहीं बनाने वाला। तुम लोग जाओ। ए, क्या प्लान बना रहे हो? नहीं नहीं, कोई प्लान नहीं बना रहे। ये पैसों की सीक्रेट के बारे में हम सिर्फ आपको ही बताएंगे। पैसों के बारे में सीक्रेट? क्या है सीक्रेट? पहली बात तो ये है कि उस कार में कोई भूत भूत नहीं है। तो क्या है? जब म्यूजियम से नवाब का शाही खजाना दूसरे म्यूजियम में शिफ्ट कर रहे थे, तब आपको पता है वहाँ क्या हुआ? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने उस खजाने को बीच में ही चुरा लिया था। ऐसी बात है? सच में अंकल? इस बारे में पुलिस को पता चल गया था, तो उन्होंने कार का पीछा किया। पुलिस से बचने के लिए वो लोग कार को जंगल की तरफ ले गए। जंगल में घुसने के बाद कार ऑयल लीक हो गया था, और कार जलने की यही एक वजह हो सकती है अंकल। वो खजाना उसी जंगल में है अंकल। खजाने को दुनिया से बचाने के लिए उन लोगों ने अफवाह फैला दी थी कि उस कार में कोई भूत है। उस नवाब का नाम क्या था? शेरुद्दीन। शेरुद्दीन? ये शेरुद्दीन तो मेरे परदादाजी थे। परदादाजी थे? वो कैसे? मेरे एक दादाजी थे, उन दादाजी के भी एक दादाजी थे, उन दादाजी के भी एक दादाजी, दादाजी के दादाजी, दादाजी के दादाजी, दादाजी के दादाजी, और फाइनली मेरे फाइनल दादाजी वो थे शेरुद्दीन। मतलब मेरे दादाजी का खजाना तो मेरा खजाना हुआ, और उस खजाने पर सिर्फ मेरा हक होगा। कोई मेरा खजाना नहीं ले सकता। लेकिन ये सब तुम लोगों को कैसे पता? हमारे डैड उसी म्यूजियम में काम करते हैं, और वो खजाने की बात मॉम से कह रहे थे। अगर तुम लोग सच बोल रहे हो, और अगर मुझे वो खजाना मिल जाता है, तो उस कार का क्या करेंगे? और तुम लोगों को उस खजाने से क्या चाहिए? नहीं अंकल, हमें उस खजाने में से कुछ नहीं चाहिए। वो कार मेरे डैड की है। वो कार हमें बहुत पसंद है। तो ये है डैडी सेंटीमेंट्स। तुम्हारे हैं डैडी सेंटीमेंट्स, और मेरे हैं डैडी के डैडी सेंटीमेंट्स। मैं तुम लोगों की मदद करूंगा, और तुम मेरी मदद करोगे। गिव एंड टेक। ओके बोलो। ओके अंकल। और ये बात सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ओके बोलो। ओके अंकल। कम ऑन, लेट्स गो। उर्वशी, उर्वशी, टेके तेज़। और कितने दूर जाना है? ये तो नहीं अंकल। ये वही कार है? हाँ अंकल। पीछे हटो। है या कबाड़ा? इतनी बुरी कंडीशन में है, इस गाड़ी को तो पूरा रिपेयर करना पड़ेगा। किसी तरह से टाल मटोल करनी पड़ेगी। वेल, बात ऐसी है बच्चों कि इस गाड़ी को मैं रिपेयर नहीं कर सकता। अरे तुम लोग मुझे फाइन भी तो नहीं दे रहे? सॉरी, नो नो नो, प्लीज। आप वर्ल्ड के बेस्ट मैकेनिक हो अंकल। ठीक है, अगर गाड़ी ठीक करनी है तो मेरी एक शर्त है। क्या शर्त?
सॉरी अंकल। इस गाड़ी को मैं यहाँ रिपेयर नहीं कर सकता, तुम्हें इसे मेरे गैराज में लाना होगा। ओके अंकल। ओके ना, मैंने तुम लोगों की मदद की ना अभी। हाँ अंकल। अब मेरा खजाना किधर है, जरा उसे ढूंढते हैं। कम ऑन। मेरा खजाना किधर है बताओ ना। हाँ तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल शाम को मेरे गैराज में आकर इस सर्कस कार को लेके जा सकते हो। ओके ना? ठीक है, ठीक है। यस। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दादाजी। में ना कहना कुछ भी, पहले ही दे तू वार्निंग। पार्टी चलेगी टिल सिक्स इन द मॉर्निंग। जी भर के ना चले वे भी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल। आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा। क्या अली भाई, तुम तो पूरी बोतल गटक गए। तुम पूरा दिन उस कार को रिपेयर करने में लगे थे ना, और फिर पूरी रात बैठकर उसे रेडी कर दिया। अबे अपनी चोंच बंद करो। मैं दिन भर मेहनत करके पैसे कमाता हूँ, फिर मैं एक बोतल पीऊँ या पांच, तुम लोगों को क्या मतलब? मैं तुम जैसा चोर नहीं हूँ। मैं चोरी के पैसों की दारू नहीं पीता। चल तेरी बात मान लेते हैं, चाहे जितनी कोशिश कर ले या जितनी भी मेहनत कर ले, इतनी सारी दारू तू नहीं खरीद सकता, क्योंकि ये तेरे मेहनत की कमाई नहीं है। अच्छा मैं इतनी पी रहा हूँ इसलिए तुम लोग कंफ्यूज हो? इसका राज जानना चाहते हो क्या? हाँ बोलो ना अली भाई, कहीं लॉटरी लगी है क्या? हम इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। हमें बताओगे तो हम भी ऐसे ही कुछ करेंगे और सेटल हो जाएंगे, फिर हम सब ये चोरी चमारी का काम छोड़ देंगे। बिल्कुल सही बात। ऐसी बात है क्या? वैसे तुम्हें बताना तो नहीं चाहिए, अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो क्या तुम लोग मेरे साथ बैठते? अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम मुझे पसंद आ गए? इधर 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 तुमने मुझे टच किया, ठीक है मैं बताता हूँ मुझे पैसे कहाँ से मिले, लेकिन तुम किसी को बताना मत। वादा करो। वादा करते नहीं बताएंगे। अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो तुम लोगों को मैं 1% कमीशन दूंगा। वो शैतानी कार है ना जंगल में, उसके चारों तरफ मैंने ढूंढा तो मुझे एक सोने की चेन मिली। दादाजी आई लव यू। दादाजी आई लव यू। आई लव यू दादाजी। Hey,
उसकी बातों पर विश्वास करते हो? ए, नशे में है, सच ही बोलेगा। चल देखते हैं उधर क्या मिलता है। ठीक है, डन। लेजेंड। तुम लोग इतनी जल्दी आ गए? अंकल, हमारी कार। हाथ छोड़ो। निकाल रहे। वही कार है। वाओ। ओ, सेल्फी ले रहे हैं। खजाना किधर है? चल जल्दी से बता। मुझे कुछ नहीं पता भाई। नहीं बताएगा? लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। खजाना किधर है बता दे, बता दे, हम तुझे जिंदा छोड़ देंगे। बता। अरे देखो, कुछ लोग लेजेंड को मार रहे हैं। मैं जोड़ता, मुझे कुछ नहीं पता। श्रीकांत अंकल, प्लीज लेजेंड को बचाओ। ड्राइवर का? आप डरिए मत, मैं हूँ ना। श्रीकांत अंकल, आप गाड़ी चलाइए। आप घबराइए मत, श्रीकांत अंकल आपको कुछ नहीं होने देंगे। मेरी लाइफ आज फुटबॉल की तरह हो गई है सर। उन लोगों ने मुझे इतना मारा, इतना मारा, और ये सब इस गाड़ी की वजह से हुआ है सर। सर, मुझे तो लगता है कि आज ये फुटबॉल पंचर ही होने वाली थी। अंकल, अंकल, क्या हुआ? मुझे है ना फुटबॉल बहुत पसंद है। शर्म नहीं आती मेरी मजाक उड़ा रहे सर, देखो ना। सर, ये सब क्या हो रहा है सर, कुछ बताइए। अरे बाप रे। अंकल, हम उनसे डर कर भाग क्यों रहे हैं? हम उतर कर उनसे फाइट करते हैं। सर, आपने कार क्यों रोक दी? बच्चों ने बोला ना, उनसे फाइट करेंगे। चलो निकलो। मैं कोई फाइटर वाइटर नहीं हूँ सर। बच्चे मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हो ना? मजाक। अबे सुन, कितनी भी भागने की कोशिश कर ले, तेरी यह खटारा गाड़ी ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। आप बिल्कुल मत डरो, श्रीकांत अंकल है हमारे साथ। श्रीकांत अंकल? किधर है श्रीकांत अंकल? चुपके बैठा है क्या?
अंकल की तो मैं कौन है तू साले पुस्तल कहीं के छुप कर क्या मारता है तो मैं तो सामने आकर मार साले तू जानता नहीं है तू किससे पंगा ले रहा है कौन है तू श्रीकांत मैं श्रीकांत अंकल आप ही थे ना जो मुझसे कार में बात कर रहे थे श्रीकांत अंकल मैं आपको देखना चाहती हूँ एक बार आइए ना अंकल प्लीज प्लीज एक बार चेहरा दिखाइए प्लीज अंकल क्यों बच्चों मुझे देखकर डर लग रहा है नहीं अंकल एवरी सैटरडे हम आपसे भी बड़ा गोस्त देखते हैं इस बच्ची को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है वो नकली भूत होते हैं और ये असली भूत है मैं असली भूत हूँ तुम ज्यादा जोर से मत चीखो नहीं तो बच्चे डर जाएंगे वो बंद करो क्या हुआ बेटी मुझे देखकर तुम पीछे क्यों जा रही हो अंकल वैसे आप है कौन आप उस कार में क्यों रहते हैं आपको किसने मारा अंकल जब मैं छोटा था मेरे माँ बाप गुजर गए और बचपन से ही मैं अनाथ आश्रम में पला बढ़ा किसका इंतजार कर रहे हो आपको पता नहीं है श्रीकांत अंकल कार लेकर आ रहे हैं
कार लेकर आ रहे, वो भी श्रीकांत? हाँ। उसे कार कहाँ से मिल गई? है? पुलिस स्टेशन में ना एक्सीडेंट वाली एक कार थी। हाँ। उन्होंने वो कार ली और उसे रिपेयर किया, अब लेकर आ रहे हैं। सच में? हाँ। आंटी उधर देखो। ओ, आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ। अरे अरे संभाल कर, अभी रिपेयर करवा के लाया हूँ। कैसी है माजी? मेरा प्यारा बच्चा, क्या बात है, तुम कार लेकर आ गए? नहीं, बड़ा लॉरी लाने वाला था, दिखता नहीं है क्या? हे श्यामू, चुप रह। देखना बेटा मेरा मजाक उड़ाता है। अच्छा सुन बेटा, तू पहली बार गाड़ी लेकर आया है, किसी की बुरी नजर लग सकती है, मैं तेरी गाड़ी की नजर उतारती हूँ। अरे सुन, वो कद्दू लेकर आ तो लाओ। ये ले बेटा, इसे नजर उतार। ठीक है माजी। चलो बच्चों इस तरफ आओ, जल्दी। हाँ चलो इसे फोड़ते हैं, श्यामू कपूर जला। क्या आप अकेले ही इसकी नजर उतारेंगे? हम लोग नहीं उतारेंगे। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे बिना मैं कोई काम करता हूँ क्या? चलो आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ। चलो सब कोई अपने अपने हाथ लगाओ, आओ छुओ इसे, कपूर जलाओ। हाँ रेडी, हाँ वेरी गुड। भैया लाओ मुझे दो। हाँ ठीक है, अब तुम लोग जाओ और खेलो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। ओके ओके। भैया आपको तो पता है मैं जिंदगी में हमेशा अकेला था, फिर आपसे मेरी मुलाकात हुई, अब मैं अपने आप को अकेला नहीं समझता हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, ये बच्चे जो अनाथ हैं उन्हें भी कोई अपना मिल गया है। अब तो हम सबकी एक ही ख्वाहिश है, आपकी धूमधाम से शादी हो जाए। अरे श्यामू, मैं कब पैदा हुआ, कैसे बड़ा हुआ और जिंदगी में क्या होने वाला है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है यह आश्रम ही मेरे लिए सब कुछ है। पता है श्यामू, अगर मेरी कमाई अच्छी हुई और मैं शादी कर लेता हूँ तो मैं अपने परिवार का सोचने वाला एक स्वार्थी बन जाऊंगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा कमाया हुआ हर एक रुपया इस आश्रम के बच्चों के लिए काम आना चाहिए, इसीलिए शादी नहीं करूंगा। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सोचा अगर आपकी शादी हो जाएगी तो आपका भी एक परिवार हो जाएगा। मुझे परिवार की क्या जरूरत है रे, तू देखना इन सब में ही मेरा परिवार है, कोई माँ है, कोई बहन है, कोई छोटा भाई है, इससे बड़ा परिवार कहाँ मिलेगा रे। एक बात बोलो भैया, मैंने सोच लिया है कि मैं भी शादी नहीं करूंगा। हाँ अगर तुम शादी करना भी चाहो, तुमसे शादी कौन करेगा? क्या बात करो भैया, आप भी ना। अच्छा ठीक है बाबा, हो जाएगी हो जाएगी, चलो चलो अभी तो चलो। कमर तोड़ दी। क्या बात है भैया, इतने सारे पैसे? हाँ वो तो है, आज रोज से ज्यादा कमाई हुई है और मेरे सभी पैसेंजर्स को मेरी गाड़ी में जाने से ऐसा लगता है जैसे वो किसी राजा की तरह जा रहे हैं, इसीलिए मैं उन्हें अपना फोन नंबर दे देता हूँ कि जब भी उन्हें गाड़ी चाहिए मुझे फोन कर सकते हैं। हाँ तो अब ये 500 रुपए कार की डीजल के लिए, ये 200 रुपए बच्चों के चॉकलेट्स के लिए, ये 500 रुपए हमारे लिए और ये 200 रुपए आश्रम के खर्च के लिए, माँ जी को दे देना। ठीक है ओके। भैया मैं जाऊँ? अरे खड़ा क्या, पहले जाके पैसा दे क्या। जाता हूँ। चीयर्स। भैया मुझे एक डाउट है। एक मिनट रुक, इस पेक के बाद एक और पेक लेते हैं, उसके बाद जब नशा चढ़ेगा तब तू अपना डाउट पूछना। ठीक है। मजा आ गया भैया, इस दारू को लेकर मुझे एक डाउट है। कैसा डाउट? बात ऐसी है भैया, हम लोग रोज इस बला के लिए 500 रुपए खर्च करते हैं ना, अगर यही पैसे हम बच्चों पर खर्च कर दें तो अच्छा नहीं होगा?
मुझे ऐसा लगता है। सही कहा, मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा था। एक तरह से ये बात ठीक नहीं है कि हर रोज शाम हुई नहीं कि हम दोनों पूरी दुनिया को भूल के दारू पीने बैठ जाते हैं। अगर एक दिन ऐसा हुआ कि हम दारू नहीं पिए तो कैसा होगा? ये बात सोच सोच कर मेरे दिल में बहुत दर्द होता है। झूठी जिंदगी जीते हैं भाई। ये देख, इसे हाथ में लेके है ना, मैंने तय कर लिया कि कल से ये सब बंद। ऐसे एंजॉय करने का मतलब नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। आपको नहीं लगता देर हो रही है? बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ यार, ये तो है। चल चलते हैं, मैं इसे खत्म कर देता हूँ। अरे पूरी बॉटल पिए क्या क्या? रुको ना। चल पहुंच गए। आज तो कुछ ज्यादा ही हो गई। अरे बाप रे श्यामू भैया, हमारे सारे फैमिली मेंबर्स हमें इतना क्यों घूर रहे हैं? बात क्या है पता करना। कुछ गड़बड़ तो है भैया। आपने इतनी देर क्यों कर दी? वो क्या है ना, काम खत्म करने में थोड़ी देर हो गई। देर हो गई। दारू पीकर आते हो और काम का बहाना बनाते हो। बात ऐसी है बड़े भाई कि थोड़ी देर पहले ही हम काम। अगर आपको हमारी फिक्र होती तो आप यहाँ इतनी देर से नहीं आते। अरे नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, थोड़ी सी ले ली थी। हंसिए मत शामू अंकल, आप भी तो इनके साथ गए थे ना, तो आपने इन्हें रोका क्यों नहीं? हाँ मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन बात ये है कि भैया मेरी बात माने ही नहीं। झूठ बोलना मत, आप हमेशा ही ऐसा करते हो। ये सब छोड़ो ना बड़े भाई, ये बताओ कि तुम सब लोग इस समय बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हो? हाँ बताता हूँ, आज इसका जन्मदिन है। लेकिन तुम तो भूल गए है ना, ये कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सॉरी दीदी जी, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। माफ नहीं करोगी प्लीज एक बार? अरे भैया समझाओ ना इसे। छोड़ो भी, अब मान जाओ ना। अगर तू माफ नहीं करेगी तो हमें केक कैसे मिलेगा? क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? नहीं करेंगे? ठीक है, अब मैं किसी से बात नहीं करूंगा। ए दीदी हंस दे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। चलो बको लो थोड़ा सा भैया, थोड़ा सा ही। अरे श्यामू क्या कर रहे हो तुम? पेंट चला जाएगा। अरे अरे साफ कर रहे हो या पेंट निकाल रहे हो? देखना गाड़ी बाद में कैसी चमकती है। ये क्या? आइए आइए। माँ जी बच्चे का? बच्चे अंदर है, अंदर आप है? अंदर जाइए। माँ जी क्या हुआ? क्या बात है? एम्बुलेंस आई है? आश्रम में कोई बीमार है क्या? नहीं कोई बीमार नहीं है। इस हॉस्पिटल ने हमारे आश्रम के बच्चों को गोद लिया है। हर हफ्ते हॉस्पिटल वाले आकर बच्चों का चेकअप करते हैं। अगर कोई बीमार है तो उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज करते हैं। बेटा श्रीकांत, हमारे आश्रम के बच्चों को किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो उस हॉस्पिटल के MD से मैं मिलना चाहूँगा। वक्त आने पर तुम्हें मैं जरूर उनसे मिलवाऊंगी। अरे अब बस भी करो। शुरू करें? हाँ। अरे श्यामू। हाँ भैया। अरे तू इधर है? और कहाँ जाऊंगा। श्यामू। हाँ बोलिए ना। तुम्हारे लिए एक सवाल है। ऐसा कोई सवाल नहीं है भैया जिसका जवाब श्यामू नहीं जानता है। वो तो पता चल जाएगा। अच्छा ये बता कि इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? अरे इसमें सोचना क्या है, वो तो ईश्वर है। चुप रहे। सवाल क्या पूछा, जवाब क्या दिया? ईश्वर का नाम लेता है। तुम्हें तकलीफ देने वाला, मुझे तकलीफ देने वाला, हम सबको तकलीफ देने वाला बड़ा कभी नहीं हो सकता। एकदम करेक्ट। क्यों है ना, बड़ी बड़ी बातें करता है। अरे इतना आसान सवाल था रे, और तू इतना सा भी जवाब नहीं दे पाया। जवाब गलत है, तुम चुप रहो।
बड़ी दीदी नहीं नहीं शायद इन्हें पता नहीं होगा। हाँ बड़े भैया तुम्हें पता है, तुम बताओ। सवाल ये है कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं हूँ बड़ा। है? तुम बड़े? वो कैसे? वो ऐसे, मेरी बहन की शादी मैं करवाने वाला हूँ। बड़ा भाई होने के नाते मेरा फर्ज है, तो इस हिसाब से हुआ ना मैं दुनिया में सबसे बड़ा। चुप है, ऐसा नहीं होता बड़े भैया। छोटी दीदी मेरी लाडली, तुम प्लीज खड़ी हो जाओ। दुनिया में सबसे बड़ा कौन? मेरे लिए तो आप ही बड़े हो, किसी की नजर ना लगे। हटे, अरे जा रही, मैं बड़ा नहीं हूँ, मेरी लाडली दीदी। असल में इस पूरी दुनिया में हमारा जो ख्याल रखता है और जो हमें बचाता है, जो सच में हम सबका ईश्वर है, वो है सीरी हॉस्पिटल का एमडी गिरिराज। वही बड़ा आदमी है। क्यों है ना श्यामू? करेक्ट। अरे बेटी बेटी बता ना तेरा नाम क्या है? बोलो ना बच्ची, कौन हो तुम? हा? अरे कहाँ चली गई? खाना खा ले बेटा। माँ जी ये बच्ची। बेटा श्रीकांत, इस बच्ची का नाम जानवी है। कुछ दिन पहले इस बच्ची के माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। इस बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं है। सिरी हॉस्पिटल वाले इसे हमारे आश्रम में ले आए। इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है बेटा। अभी नींद से उठी है और कार को देखते ही यहाँ भाग के आ गई। तुम इधर बैठो। हाँ, अब मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। हाँ, मैं वैसे ही चावल में दाल घी सब्जी डालकर खिलाऊंगा जैसे माँ खिलाती है। माँ तो नहीं है, जब माँ थी ना तो मुझे रोज ऐसे ही खाना खिलाती थी, पर अब तो माँ नहीं है। किसने कहा कि तेरी माँ नहीं है बेटा? उसने कहा है मैं तुम्हें रोज खाना खिलाऊं और इसीलिए उसने मुझे ये वाली कार दी है। सच्ची? जी। अगर तुम यहाँ खाना खाओगी तो ही वहाँ तुम्हारी माँ खाना खाएगी। ठीक है मैं खाऊंगी। हाँ हाँ तो चलो मुँह खोलो आ करो। अंकल आप नहीं खाओगे? इतने सालों में पहली बार मुझसे किसी ने ये सवाल पूछा। सिर्फ मेरी माँ को ही मेरी फिक्र होती थी। वो मुझसे रोज पूछती थी खाना खाया कि नहीं। उसके अलावा किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा। ठीक है आज से तुम मेरी माँ हो। ओके हाँ चलो मुँह खोलो। आ खाया ए वेरी गुड। चलो मुँह खोलो। आ आ आ आ हेलो हेलो। बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं था और वो मेरे बहुत करीब थी। भैया अरे ऐसे क्यों भागा आ रहा है? बाथरूम खाली है, जा वहाँ जा। अरे वैसी बात नहीं है, मेरे पास एक पार्टी है जिसे ऊटी जाना है एक हफ्ते के लिए। मालदार पार्टी है। वो पूछ रहे थे कि तुम्हारा भाई जाने के लिए तैयार होगा। तैयार है, बिल्कुल तैयार है। जाना कब है? कह रहे थे बहुत अर्जेंट है, उन्हें तो एक घंटे में जाना है। एक घंटे में? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हें इसका ख्याल रखना है। हाँ बेटा। अरे मैं, अरे अरे क्या हुआ, इतना मुंह क्यों फुला लिया? चलो बैठो 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 बैठो।
अले ले ले, क्या हुआ? मेरी बच्ची गुस्सा हो गई मुझसे, मैं बाहर जा रहा हूँ इसीलिए। अरे बाबा, मैं यूं गया और यूं आया, और तब तक तुम्हारा ख्याल ये मोटू अंकल रखेंगे। मोटू नहीं, श्यामू। आए का श्यामू? ए चलो स्माइल करे, स्माइल करे, स्माइल करे, ये हंस दी। चलो आजा आजा, चलो स्टैंड अप, गुड गर्ल। श्यामू इसे ले जा, ए इसका ख्याल रखना, चलता हूँ। अपना ख्याल रखना, बाय। बच्चा लोग आ जाओ। सुनो, इसमें मिठाई है, सबको बांट दो, जा। नमस्ते भाई साहब। जानवी कहाँ है? जानवी, 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 चलो बाहर आ जाओ। जानवी, ये सब कैसे हो गया? पहले मेरे माँ बाप चले गए, अब इस बच्ची ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। ये सब मेरे साथ क्यों होता है? शायद किसी जन्म में पाप किया होगा, इसीलिए इस जन्म में जिससे भी प्यार करता वो दूर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है माँ जी? आप जिससे जुड़ते हैं वही साथ छोड़ देता है। यही तो समझ नहीं आता, ऊपर वाला ऐसा क्यों करता है, लेकिन यही सच्चाई है। उसी की मर्जी चलती है, उसके आगे किसी की नहीं चलती बेटा। जानवी के आने से तुम कितने खुश थे बेटा, लेकिन इन खुशियों को किसी की नजर लग गई। डॉक्टर का कहना है कि सिर पर चोट लगने की वजह से मौत हुई। हॉस्पिटल ले जाने तक वो जिंदा थी, वहां पहुंचते ही वो मर गई। हमने तुम्हें खबर देने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारा फोन ही नहीं लगा। उस दिन वो तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रही थी बेटा। मैं इतना बदनसीब हूँ कि आखिरी वक्त में भी उसके साथ नहीं था। अच्छा माँ जी, श्यामू कहाँ है? जब से श्यामू बच्ची के साथ हॉस्पिटल गया है, वो वापस नहीं आया बेटा। श्यामू इधर आया था क्या? इधर तो नहीं आया, यहीं कहीं आसपास देखा हो? मैंने उसे नहीं देखा। ठीक है, अगर आए तो फोन करना, मेरा नहीं लगे तो माँ जी को करना। ठीक है, बता दूंगा। हुआ गाड़ी को? इंजन में कुछ प्रॉब्लम है। कितने देर में ठीक होगी? देखिए, हम अनाथ आश्रम की एक लाश को पोस्टमार्टम के बाद मॉर्चरी लेकर जा रहे थे। बीच रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई, बॉडी को हमें अर्जेंटली वहां पर पहुंचाना है। प्लीज हमारी हेल्प कीजिए ना।
जी वो अच्छा ठीक है चलिए। बॉडी को नीचे उतारना है सर। मैं अंदर जाता हूं। श्यामू श्यामू सर सर ये मेरा भाई श्यामू है। श्यामू श्यामू उठो उठो श्यामू सर क्या हुआ था मेरे श्यामू को? हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। हार्ट अटैक? जी हाँ। हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? पिछले हफ्ते तो ये मेरे साथ था, बिल्कुल ठीक था। ए बता इसे हार्ट अटैक कैसे आया? पिछले हफ्ते तक ये हंस खेल रहा था, फिर अचानक हार्ट अटैक कैसे आया? सच बता क्या हुआ था, नहीं तो जान ले लूंगा। एक्चुअली इस आदमी का मर्डर किया गया है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि हार्ट अटैक की रिपोर्ट गलत है। ये क्या कह रहे हो तुम? हार्ट अटैक की गलत रिपोर्ट? जी बिल्कुल। किसने कहा ऐसा करने? सिरी हॉस्पिटल के एमडी गिरिराज ने। सिरी हॉस्पिटल के एमडी गिरिराज? ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने गलत रिपोर्ट बनाने के लिए कई बार दबाव डाला है। इतना ही नहीं, हर एक लाश से आंख, किडनी या हार्ट, कोई ना कोई बॉडी पार्ट गायब होता है। अभी की बात है, एक छोटी बच्ची 5 साल की रही होगी, मर गई। हमें कहा गया कि रिपोर्ट ऐसी बनाओ कि उसके सिर पर चोट लगी थी। पोस्टमार्टम करते समय पता चला कि उसका हार्ट निकाल लिया गया है। उस बच्ची का नाम? जानवी। मुझे ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब मैंने मना किया तो उसने मुझे धमकी दी कि वो मेरे बीवी बच्चों को मार डालेगा। डॉक्टर, वो गिरिराज कहाँ मिलेगा? वो इस वक्त अपने फार्म हाउस पर होगा। डॉक्टर, मेरे भाई की लाश को आप अनाथ आश्रम पहुंचा दीजिए। आप चिंता मत कीजिए। मुंबई पार्टी ने कैश ट्रांसफर कर दिया? हाँ कल ही कर दिया भाई। और वो बैंगलोर पार्टी? हाँ कर दिया। ए गिरिराज आज तक हर किसी ने मुझे गिरिराज कहकर बुलाया और तूने मुझे एका? बात कुछ हजम नहीं। Who is he? उस अनाथ आश्रम में रहने वाला ये भी एक अनाथ है। अनाथ है? एक अनाथ मुझ पर इतना गुस्सा कर रहा है? अभी तक तो तूने सिर्फ गुस्सा देखा है, दुश्मनी नहीं देखी। क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तेरा? अब देख या ना तेरी मौत की वजह कैसे बनता है। देख, जब तू इतनी दूर से मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आया है तो तुझे सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। इट्स लाइक अ बिजनेस। कोई गुनेगार को मारकर पैसा कमाता है तो कोई निर्दोष को मारकर कमाता है, और मैं तो बच्चों को मारकर कमाता हूँ। That's it. और ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये बिजनेस है बॉस। तो बच्चों को मारकर उनकी किडनी और हार्ट बेचता है, किस तरह का बिजनेस करता है तू? जानवी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? सिर्फ 5 साल की थी वो, तूने उसे, मैं तुझे छोड़ूंगा। देखो श्रीकांत, उस बच्चे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, और एक बात बताऊं, वो बच्ची अनाथ नहीं थी। 10 दिन पहले मुझे एक मैसेज आया कि एक बच्ची को रेयर ब्लड ग्रुप की जरूरत थी। 10 करोड़ की डील थी, और उस अनाथ आश्रम में किसी का भी खून उस ब्लड ग्रुप से मैच नहीं हुआ। और उसी वक्त जानवी अपने माँ बाप के साथ मेरे हॉस्पिटल में जनरल चेकअप के लिए आई थी। किस्मत देखो, एग्जैक्टली जानवी का ब्लड ग्रुप उस बच्ची के ब्लड ग्रुप से मैच हो गया। लेकिन उसके माँ बाप तो मानते नहीं, तो मैंने उनका एक्सीडेंट करवा के मरवा दिया उन्हें, और जानवी को अनाथ आश्रम में भेज दिया। अब ठीक ऑपरेशन के दिन मैंने उस बच्ची को फंसाने की तैयारी की और ऑपरेशन कंप्लीट किया। ये बात श्यामू को पता चल गई और वो मुझे धमकी देने लगा, तो उसे भी पहुंचा दिया। अब तुम ही बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? ब्लड ग्रुप मैच होने की वजह से
और उस बच्ची की जान बचाने के लिए क्या जानवी के माँ बाप मेरे लिए दुआ नहीं मांगेंगे? अगर तेरी बेटी होती तो भी उसके साथ ऐसा ही करता तू। सोचूंगा, अगर ऑफर अच्छा हुआ तो जरूर सोचूंगा। तुझे मैं ईश्वर मानता था क्योंकि तू अनाथ आश्रम की मदद करता था, लेकिन तू तो भेड़ की खाल में एक लोमड़ी निकला। समाज का खून चूसने वाला कीड़ा है तू। लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन तूने जो किया उससे शैतान को भी शर्म आ जाए। देखो श्रीकांत, दुनिया में हर कोई किसी ना किसी के काम जरूर आता है, लेकिन ये अनाथ आश्रम के बच्चे किसी काम के नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे एड्स के मरीज होते हैं। इसीलिए जिनके पास पैसा होता है ये लोग उनके काम आते हैं, यू नो, इंडिपेंडेंट। इसीलिए किसी की जिंदगी बचाने के लिए किसी की जिंदगी लेनी पड़ती है, लेवल मेंटेन रहता है। मैं तुझे अभी क्या भी मार कर उन लोगों की आत्मा को शांति पहुंचाऊंगा जिन्हें तूने मारा था। मैं तुझे भी आराम से मारकर तेरे बॉडी के पार्ट्स को बेचकर पैसे कमा सकता हूं। फिर अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया, तेरे बॉडी पार्ट्स जिस इंसान के शरीर में लगाऊंगा वो भी तेरी ही तरह मेरा दुश्मन बन जाएगा और वो मुझे मार डालेगा। तो फिर मैंने सोचा और तेरी कहानी का क्लाइमैक्स यहां प्लान किया। इसे तो गाड़ देंगे, लेकिन कार का क्या करेंगे? पेट्रोल छिड़क कर जला दो। ठीक है भाई, चलो। चले भाई, चल। जानवी, उस गिरिराज ने मेरी जान ली थी, लेकिन उसे मारकर मुझे अपनी मौत का बदला लेना है। इसीलिए आत्मा बनकर मैं इस कार में इंतजार कर रहा हूं। जब तुम इस गाड़ी में आकर सो गई तो मुझे लगा मेरी जानवी मिल गई। आप चिंता मत कीजिए अंकल, हम उसकी पोल खोलकर उसे जरूर सजा दिलवाएंगे। हाँ अंकल, हम मदद करेंगे। हाँ सर, जरूर करेंगे। आओ बच्चों, मैं तुम लोगों को घर छोड़ दूं। हाँ
बाय बाय गूस्ट अंकल बाय। सर हम यहां से चलें? सर अगर आपको कोई एतराज नहीं हो तो क्या मैं गाड़ी चलाऊं? जस्ट जोकिंग सर, आप तो वैसे ही सुपर ड्राइवर है सर। रुको, कहां से आ रहे हो? मैंने पूछा इतनी रात को कहां से आ रहे हो? चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? वो दादाजी, सच सच बताओ, तुम लोग उस कार के पास गए थे ना? नहीं दादाजी। झूठ मत बोलो, तुम लोग रात में कार के पास गए थे, गांव वालों ने देखा और हमें बताया। अरे पूरा गांव उस कार के पास जाने से डरता है और तुम लोग मना करने के बाद भी वहां गए। तुम लोगों का रोज रोज कोई ना कोई नाटक लगा रहता है। मैं क्या जवाब दूंगा अगर तुम लोगों को कुछ हो गया तो? तुम्हारे मम्मी डैडी ने हम पर भरोसा किया है। अभी सुन लो, कल सुबह ही मैं उन्हें फोन करता हूँ और तुम सबको ले जाने के लिए कहता हूँ। चलो जाओ सो जाओ। अली चलो बाहर निकलो। जाओ जाकर माल लेकर आओ। सजा के रख क्या दिया? पैक कौन बनाएगा? चल जल्दी से पैक बना। चखना तेरा बाप खिलाएगा। सर वो मैं भी एक पैक ले लूं। चीयर्स। चीयर्स। सर ये तो मेरा पहला ही पैक था। हाँ तो मैं क्या करूं? मैं एक और पैक बना लूं क्या? Hey! आपने पूरी बोतल खाली कर दी। ये चीटिंग है सर। कोई चीटिंग नहीं है। hey, चलो मेरे साथ चलो तुम। जल्दी से गाड़ी में बैठो। सर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि यही है मेरा आश्रम। पता नहीं मेरी मौत के बाद यहाँ के हालात क्या हैं। अली देखो एम्बुलेंस आई है। इन्हीं लोगों ने जानवी का ब्लड सैंपल लिया था और उसे मार डाला था। इस वक्त यहाँ एम्बुलेंस आने का मतलब है कि बच्चों को जरूर कोई खतरा है। जाकर पता लगाओ। ओके सर। हाँ। नाइट ड्यूटी का यही प्रॉब्लम है। अभी इतनी रात को मेरे को इधर आने को बोले, लेकिन क्या करेगा, मरते दम तक मेरे को इधर ही काम करना। हाँ? भाई माचिस है क्या? माचिस? सिगरेट किधर है? पागल कहीं का भाई। हाँ? आप इस वक्त आए हैं, कोई सीरियस है क्या? नहीं नहीं, एक बच्चे का ऑपरेशन है तो वो टेस्ट के लिए उसका ब्लड सैंपल लेने को आए। तो ये बताओ अंदर जो गया है वो सीनियर डॉक्टर है क्या? नहीं नहीं, वो ड्यूटी डॉक्टर है। सीनियर डॉक्टर इधर क्यों आएंगे?
वो तो एक ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए लेते हैं। बड़े लोगों की तो बात ही अलग है। अच्छा अभी बाहर से कोई नया डॉक्टर आया? हाँ बैंगलोर से है, यहाँ आए हुए उनको 2 दिन हो गए। वो अपना सरकारी गेस्ट हाउस है ना, उधर ही ठहरे हैं। एक बात बता, तुम माचिस मांगने आया था, इतना सवाल क्यों पूछ रहे? मेरी मम्मी ना डॉक्टर बन जा खूब कहा करती थी और वो मर गई, इसलिए मैं डॉक्टर की जिंदगी कैसी होती है ये जानना चाहता हूँ। डॉक्टर नहीं बना तो फिर बना क्या? एक्टर। भाई मेरे को एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट है, एक हीरो का रोल दिला देना। कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? पागल, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आ जाते हैं। क्या हुआ? बेंगलोर से कोई सीनियर डॉक्टर आया है, वो किसी इम्पोर्टेंट ऑपरेशन के लिए आया है। लगता है गिरिराज कुछ प्लान कर रहा है, हमें किसी भी तरह इस ऑपरेशन को रोकना होगा। अगर हम लोगों को दादाजी वापस घर भेज देंगे तो हम श्रीकांत अंकल की हेल्प कैसे करेंगे? हमने श्रीकांत अंकल को हेल्प करने का प्रॉमिस भी किया था, लेकिन अगर मॉम और डैड को इस बारे में पता चल गया तो वो हम सब पर बहुत गुस्सा हो जाएंगे। सुनो, हम मॉम और डैड को कैसे भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन पहले हमें वो कार और मैकेनिक अंकल कहाँ है पता लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, मैकेनिक अंकल को कॉल करके पूछ लेते हैं। यस। हेलो, कौन? हेलो अंकल, मैं प्रीति बोल रही हूँ। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? दादाजी सुबह हम लोगों को वापस घर भेज रहे हैं और हमें श्रीकांत अंकल की मदद करनी है। अब सुनो, कल रात को मैं और श्रीकांत अंकल दोनों शहर के अनाथ आश्रम में गए थे, वहाँ एक इम्पोर्टेंट बात पता चली हमें, हमें अर्जेंटली जाना होगा। कोई इम्पोर्टेंट बात पता चली है, हमें फौरन जाना होगा। उन्हें कह दो कि हम शाम को उनके पास आ जाएंगे। अंकल हम शाम को आश्रम में आपसे मिलते हैं। ओके बेटा। ओके अंकल, बाय। श्रीकांत अंकल, पता है हमने आपको बहुत मिस किया। आजा बेटा। क्या हुआ अंकल, आप कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने वाले थे ना? हाँ सुनो, सीरी हॉस्पिटल वाले कल रात आश्रम में बच्चों का ब्लड सैंपल लेने आए थे। हाँ बच्चों, उन्होंने बच्चों के ब्लड सैंपल्स लिए थे, इसका मतलब है कि वो किसी बच्चे को मारने वाले हैं। और सुनो, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बैंगलोर से आया है और वो गिरिराज के गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है। हमें किसी भी तरह इस ऑपरेशन को रोकना पड़ेगा अंकल। बताइए अंकल। सिंपल, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को ऑपरेशन करने से रोकना ही हमारा काम होना चाहिए। पर वो करेंगे कैसे? इसके लिए हमें अच्छी प्लानिंग करनी होगी, लेकिन प्लान मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा। एक आईडिया आया है, उस डॉक्टर को हम डरा धमका के भगा सकते हैं। मैं तुम्हें कोई गुंडा या कोई डॉन नजर आ रहा हूँ जो उस डॉक्टर को धमकी दे दूंगा? धमकी देने के लिए गुंडागर्दी की जरूरत नहीं होती, उसके लिए भूत ही काफी है। भूत धमकी देगा? हाँ अंकल, हमारे घर पर जब चोर आए थे ना, तो हमने भूत बनकर उन्हें डराकर भगा दिया था। यस, जिन बच्चों को उस डॉक्टर ने मारा था उनकी रूह बनकर हम उस डॉक्टर को डराएंगे और उसे लगेगा कि ये सब सच में हो रहा है। हाँ। कैसा लगा मेरा आइडिया? हम कॉस्ट्यूम पहन कर तैयार हो जाते हैं। श्रीकांत अंकल, प्लान ठीक है ना? डन। वेलकम टू समय समय की बात। आज हम देखेंगे एक डॉक्टर की कहानी जो ऑपरेशन के बहाने बच्चों को मारता था और वही बच्चे भूत बनकर उस डॉक्टर की पोल खोल देते हैं। आखिर ये भूत बच्चे 12 घंटे में क्या क्या कर देते हैं, आइए देखिए हमारे साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए क्राइम वॉच। ये तो मेरी कहानी ही लगती है, डरने की कोई बात नहीं। मैं नहीं मानता कि मरे हुए लोग वापस भूत बनकर आते हैं। मैंने तो कितने बच्चों की जान ली है, एक भी बच्चा भूत बनकर वापस तो नहीं आया।
कहता हूँ मैंने सिर्फ ऑपरेशन किया था, मुझे जान से मारने की धमकी दी थी और वो धमकी देने वाला आदमी सिरी हॉस्पिटल का एमडी गिरिराज था। इसीलिए हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वादा करो आइंदा से ऐसी गलती नहीं करोगे। अगर तुमने फिर से ऑर्गन्स के लिए बच्चों को मारा तो तुम्हें भी लाश बना देंगे। प्लीज मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मुझे कुछ मत करना प्लीज। सर अंदर तो इन बच्चों ने कमाल की एक्टिंग की। इन्हें देखकर तो मैं भी डर गया था सर। सर वो जो डॉक्टर है ना वो पूरी तरह से डर गया और उसने सच बता दिया। इतना डर गया था कि वो बार बार कह रहा था कि ऐसा काम जिंदगी में कभी नहीं करेगा। डर के मारे उसने तो शहर भी छोड़ दिया होगा। सर वो डॉक्टर इतना डर गया था कि उसका चेहरा देखने लायक था। क्या बताऊं सर। बच्चों जब गिरिराज को पता चलेगा कि ये डॉक्टर डर गया है तो वो इस डॉक्टर को मारकर दूसरे डॉक्टर से ऑपरेशन करवाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मेहनत बेकार हो गई क्या? अगर वो डॉक्टर भूत देखकर डर गया तो ये बात पक्की है कि वो डॉक्टर गिरिराज को जाकर पूरी बात बताएगा, इसीलिए उस डॉक्टर का पीछा करना होगा। सर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं खुद उसका ऐसे पीछा करूंगा जैसे करमचंद करता है, मेरी नजरों से बच नहीं पाएगा वो। ओ लेजेंड, हम सब ने मिलकर इतनी प्लानिंग की और आखिर में तुम अकेले क्रेडिट लेना चाहते हो? दे 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 दे। और क्या, मैंने उस डॉक्टर को डराया था, आपने तो सिर्फ रिकॉर्डिंग की थी। मैंने उतना ही किया। हाँ। इतनी मुश्किल से मैंने वो घोस्ट इफेक्ट्स क्रिएट किए थे ताकि तुम लोग असली घोस्ट की तरह दिखो। कैसे भूल गए ये बात, तो क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। इस पूरे प्लान में मेरी टाइमिंग सही थी, क्रेडिट मुझे ही मिलना चाहिए। मुझे मिलना चाहिए, नहीं नहीं मुझे मिलना चाहिए। शांत हो जाओ बच्चों, झगड़ो मत, ये क्रेडिट तुम सबका है, ठीक है? अब चलो। ऐसे क्या देख रहे हैं? हाँ चलना। आगे बढ़ो। वो तीन बच्चे थे सर, मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता लेकिन उस रात से करने लगा हूँ। एक भूत कह रहा था कि वो मेरा हार्ट निकाल कर मुझे मार डालेगा, उसने कहा अगर मैंने ऑपरेशन किया तो वो मुझे जान से ही मार डालेगा। मुझे ऑपरेशन नहीं करना, मुझे जाने दीजिए प्लीज, मैं जा रहा हूँ। कल रात से तू यही बात बार बार दोहराते जा रहा है, तुझे पता है ऑपरेशन के लिए वो लोग दुबई से यहाँ पर आ चुके हैं। तेरे जैसे आदमी अगर मेरे साथ काम करने लगे तो मेरा तो बिजनेस चौपट हो जाएगा। देख ये सब कुछ प्लान करने वाला मैं था, इसलिए उन भूतों को
मेरे पास आना चाहिए था ना, तेरे पास क्यों आए? सर ये सब मैं नहीं जाता, अब और मुझसे नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। डरने की कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर, मेरी बात मान ले। प्लीज सर, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं सीधे पुलिस के पास जाके आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। है कूल 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 डॉक्टर, अब तू मेरे साथ काम नहीं करना चाहता तो मैं तेरे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, सिर्फ तुझे मार दूंगा। जब तक ये जिंदा था ऑपरेशन में हमारे काम आया था, और अब मरने के बाद भी काम आएगा, इसके बॉडी पार्ट्स हमारे काम आएंगे। ले जाओ इसे। देखो ये बहुत ही अच्छी डील है, किसी भी वजह से फेल नहीं होनी चाहिए, समझे? कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके। ऑपरेशन में हमारे काम आया था, और अब मरने के बाद भी काम आएगा, इसके बॉडी पार्ट्स हमारे काम आएंगे। ले जाओ इसे। हाय सर, वीडियो कैसा लगा? सॉरी लाइटिंग थोड़ी कम है, हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। बच्चे को तुम कैसे मारते हो हम सब जानते हैं, और उस लड़की की भी जान तुमने ही ली थी, हम सब जानते हैं। खुद के किए हुए मर्डर का वीडियो देखकर कैसा लगा? हाँ आपको डर लग रहा है? अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो हम किसी को न दिखाएं, तो आप हमारी बताई हुई जगह पर आ जाइए। गांव के बाहर जंगल में आपने किसी की जान ली थी, श्रीकांत की जान ली थी, कुछ याद आया? उसी जंगल में आपको आना होगा, भूलना मत। तुमने बच्चों को मारा था ना, वो क्या तुम्हें छोड़ने वाले हैं? ठीक टाइम पर वहाँ आ जाना। साथ चीटिंग नहीं तो फिर और क्या करना चाहिए? अब तुम मरेगा। मुझे मारेगा?